हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एजेंट इन एंटीसेप्टिक? अल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा होता है एक्टिव एजेंट इन एंटीसेप्टिक? तो एंटीसेप्टिक में एक्टिव एजेंट होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड आयोडीन ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म बाय विच द एंटीसेप्टिक्स शोज देयर एक्शन? डैमेज टू डीएनए, एंजाइम इनहिबिशन, सेल वॉल डिस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा होता है एंटीसेप्टिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो एंटीसेप्टिक्स एक्ट करते हैं बाय डैमेज टू डीएनए, एंजाइम इनहिबिशन एंड सेल वॉल डिस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। मैकेनिज्म बाय विच द एंटीसेप्टिक्स शोज देयर एक्शन इज डैमेज टू डीएनए, एंजाइम इनहिबिशन एंड सेल वॉल डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक्स हैव लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कंपेयर टू एंटीबायोटिक, कंपेयर टू स्टैटिन्स, कंपेयर टू सल्फा ड्रग्स, कंपेयर टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटीसेप्टिक्स हैव लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो एंटीसेप्टिक्स का होता है लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एंटीसेप्टिक्स हैव लोअर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कंपेयर टू एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टेरिसाइडल, बैक्टेरियल कल्चर, फंगिसाइडल। तो एंटीसेप्टिक्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीसेप्टिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एंटीसेप्टिक स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड डिसइन्फेक्टेंट्स होते हैं बैक्टेरिसाइडल। डिसइन्फेक्टेंट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे आर बैक्टेरिसाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी माइक्रोबियल क्लींजर टू क्लीन द स्किन साइड बिफोर सर्जरी? क्लोरहेक्सिडिन, डाइजेपैम, मिग्लिटॉल, लोराजेपैम। एंटी माइक्रोबियल क्लींजर टू क्लीन द स्किन साइड बिफोर सर्जरी, तो किसका यूज करते हैं एज एन एंटी माइक्रोबियल क्लींजर टू क्लीन द स्किन बिफोर सर्जरी? तो इसके लिए यूज करते हैं क्लोरहेक्सिडिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्लोरहेक्सिडिन। ऑप्शंस में ये डाइजेपैम एंड लोराजेपैम ये तो बेंजोडाइजेपाइन्स होते हैं एंड ये मिग्लिटॉल होता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो एलिमिनेशन मेथड से ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरहेक्सिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइन्फेक्टेंट्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टेरिसाइडल, बैक्टेरियल कल्चर, फंगिसाइडल। तो क्या होते हैं डिसइन्फेक्टेंट्स? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, एंटीसेप्टिक्स होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड डिसइन्फेक्टेंट्स होते हैं बैक्टेरिसाइडल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिसइन्फेक्टेंट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे आर बैक्टेरिसाइडल एंड एंटीसेप्टिक स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस इज नोन एज? डिसइन्फेक्शंस, एंटीसेप्सिस, स्टरलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन। तो क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस? तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं डिसइन्फेक्टेंट्स का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डिसइन्फेक्शन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सर्फेस। डिसइन्फेक्टेंट्स आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस एंड एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड ऑन लिविंग सर्फेसेस। ये एंटीसेप्सिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग सर्फेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्लोरोक्सिलेनॉल इज? यूरिया, फिनॉल, विनाइल, अमाइड। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरोक्सिलेनॉल में? तो ये क्लोरोक्सिलेनॉल होता है डेटॉल। डेटॉल होता है ब्रांड नेम ऑफ क्लोरोक्सिलेनॉल एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन क्लोरोक्सिलेनॉल डेटॉल इज फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन शोज एंटी माइक्रोबियल एक्शन? सिल्वर, टिटेनियम, लेड, टिन। मेटल आयन शोज एंटी माइक्रोबियल एक्शन, तो सिल्वर शोज करता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटॉल इज द ब्रांड नेम ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ट्रामेडॉल, क्लोरोक्सिलेनॉल, फ्लुऑक्सेटिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, डेटॉल होता है क्लोरोक्सिलेनॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फिनॉल, ठीक है।
देने क्लोरोजाइलेनॉल का एब्रिवेटेड फॉर्म होता है PCMX, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, ये होता है डेटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स बिलोंग टू द कैटियोनिक सर्फेक्टेंट क्लास? बेंजालकोनियम क्लोराइड, अल्कोहल, फिनॉल, आयोडीन। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स बिलोंग टू कैटियोनिक सर्फेक्टेंट क्लास, तो कैटियोनिक सर्फेक्टेंट क्लास में आता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, बेंजालकोनियम क्लोराइड होता है कैटियोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ससेप्टिबल टू अल्कोहल कंपाउंड्स? बैक्टीरिया, स्पोर्स, फंगी, वायरसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ससेप्टिबल टू अल्कोहल कंपाउंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्स, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, स्पोर्स इज नॉट ससेप्टिबल टू अल्कोहल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंगस्ट गिवन एंटीसेप्टिक्स विच वन इज नॉट ए डाई? क्रिस्टल वायलेट, सेट्रीमाइड, जेंशियन वायलेट, मिथिलिन ब्लू। अमंगस्ट गिवन एंटीसेप्टिक्स विच वन इज नॉट ए डाई, इनमें से कौन सा डाई में नहीं आता? तो क्रिस्टल वायलेट, जेंशियन वायलेट, मिथिलिन ब्लू, ये सभी होती है डाई। सेट्रीमाइड इज नॉट ए डाई, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, सेट्रीमाइड इज नॉट ए डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली क्लोरोजाइलेनॉल इज 4-chloro-3,5-dimethylphenol, 4-chloro-3,6-dimethylphenol, 4-chloro-3,5-diethylphenol, 4-chloro-3,3-dimethylphenol। तो क्या होता है क्लोरोजाइलेनॉल? तो ये क्लोरोजाइलेनॉल होता है डेटॉल। पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोजाइलेनॉल, एंड ये होता है 4-chloro-3,5-dimethylphenol। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, 4-chloro-3,5-dimethylphenol होता है क्लोरोजाइलेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीएमसी पैराक्लोरोमेटाक्रेसॉल इज क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, 3,6-diaminoacridine, 3,4-diaminoacridine। तो क्या होता है पैराक्लोरोमेटाक्रेसॉल? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, एंड पैराक्लोरोमेटाक्रेसॉल होता है क्लोरोक्रेसॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, एंड पैराक्लोरोमेटाक्रेसॉल होता है क्लोरोक्रेसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवलॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड, ट्रामेडॉल, सेट्रीमाइड, फ्लुओक्सेटिन। तो क्या होता है सेवलॉन में? सेवलॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ, तो सेवलॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ सेट्रीमाइड, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, सेट्रीमाइड होता है सेवलॉन, एंड क्लोरोजाइलेनॉल होता है डेटॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कंटेनिंग एक्रिडिन मॉइटी इज बेंजालकोनियम क्लोराइड, अल्कोहल, फिनॉल, प्रोफ्लाविन। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कंटेनिंग एक्रिडिन मॉइटी, तो इनमें से किसमें होती है एक्रिडिन मॉइटी? तो एक्रिडिन मॉइटी कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट होता है प्रोफ्लाविन, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। पीसीएमएक्स पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल इज क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोक्रेसॉल, 3,5-diaminoacridine, 3,6-diaminoacridine। तो ये भी अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पैराक्लोरोमेटाजाइलेनॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, एंड क्लोरोक्रेसॉल होता है पैराक्लोरोमेटाक्रेसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली प्रोफ्लाविन इज 3,6-diaminoacridine, 2,6-phenylacridine, 3,6-diaminoacridine, 3,4-diaminoacridine। क्या होता है प्रोफ्लाविन? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रोफ्लाविन होता है एक्रिडिन मॉइटी कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट, एक्रिडिन मॉइटी कंटेनिंग डिसइंफेक्टेंट होता है प्रोफ्लाविन, एंड प्रोफ्लाविन में 3,6 पोजिशन में प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 3,6-diaminoacridine इज प्रोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइजोल इज द ब्रांड नेम ऑफ बेंजालकोनियम क्लोराइड, ट्रामेडॉल, क्लोरोजाइलेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किसका ब्रांड नेम होता है लाइजोल? तो लाइजोल होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। डेटॉल होता है क्लोरोजाइलेनॉल, सेवलॉन होता है सेट्रीमाइड, एंड लाइजोल होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इवेल्युएट द डिसइंफेक्टेंट? डीच प्लेट मेथड, ग्रेडियंट प्लेट मेथड, ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। मेथड यूज टू इवेल्युएट द डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट्स के इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं डीच प्लेट मेथड का, ग्रेडियंट प्लेट मेथड का, एंड ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूटेन वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 4, 2, 1 और 3। तो कितनी होती है क्यूटेन वैल्यू ऑफ फिनॉल?
तो क्यूटेन वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 4, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिनॉल की क्यूटेन वैल्यू होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल्स एक्ट एज ए डिसइनफेक्टेंट बाय डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स एंड डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीडाइजिंग सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्रॉस लिंकिंग एंड अल्कलाइन दी मॉलिक्यूल्स, डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स एंड डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स। अल्कोहल्स एक्ट एज ए डिसइनफेक्टेंट बाय, तो अल्कोहल्स डीनेचुरेट करते हैं प्रोटीन्स को एंड डिजॉल्व करते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स को। अल्कोहल्स एक्ट एज ए डिसइनफेक्टेंट बाय डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स एंड डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्मिसाइडल एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरोफॉर्म। द जर्मिसाइडल एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो क्लोरीन की जर्मिसाइडल एक्शन होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। द जर्मिसाइडल एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एज ए डिसइनफेक्टेंट, 2%, 5%, 10% और 1%, तो कितना होता है फिनॉल का ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन एज ए डिसइनफेक्टेंट, तो ये होता है 1%, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1% इज द ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल एज ए डिसइनफेक्टेंट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।